हेलो फ्रेंड्स आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशुमेंद्र विक्रम सिंह पे स्वागत है तो फ्रेंड्स इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कक्षा बारह की गणित प्रश्नावली टू के विविध प्रश्नावली को जिसमें हमें निम्नलिखित समीकरणों को सरल करना है फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन नंबर थर्टीन तक इसके पहले वाले लेक्चर में कम्प्लीट हो गया था तो इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर फोर्टीन को देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में क्या कह रहा है कि निम्न समीकरण को सरल कीजिए टेन इनवर्स वन माइनस एक्स अपान वन प्लस एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू टेन इनवर्स यक्स तो फ्रेंड्स हम एल एच एस और एच एस दोनों को लेकर चलेंगे क्योंकि हमें समीकरण को सरल करना है तो फ्रेंड्स यहाँ पे वन अपान टू है टू को इस तरह भेजेंगे तो टू हो जाएगा टेन इनवर्स वन माइनस एक्स अपान वन प्लस यक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स यक्स फ्रेंड्स टू को बाहर लेंगे फ्रेंड्स टेन इनवर्स वन माइनस एक्स अपान वन प्लस एक्स को हम टेन इनवर्स वन माइनस टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं इज इक्वल टू यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स है अब फ्रेंड्स हमने टेन इनवर्स वन माइनस एक्स अपान वन प्लस एक्स को टेन इनवर्स वन माइनस टेन इनवर्स एक्स कैसे लिखा तो फ्रेंड्स टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला लगाएंगे तो टेन इनवर्स यक्स माइनस वाई अपन वन प्लस यक्स वाई यक्स के स्थान पे वन है वाई के स्थान पे कैप स्मॉल यक्स है तो फ्रेंड्स इसके स्थान पे हम टेनवर्स वन माइनस टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं अब फ्रेंड्स ब्रैकेट के अंदर टू से मल्टीप्लाई कराएंगे तो टू टेन इनवर्स वन माइनस टू टेन इनवर्स यक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स यक्स फ्रेंड्स इसको हम इस तरफ़ रह देंगे टू टेन इनवर्स वन इज इक्वल टू फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस टू है तो राइट हैंड जा करके प्लस टू हो जाएगा टू टेन इनवर्स एक्स यहाँ पे प्लस टेन इनवर्स एक्स पहले से है फ्रेंड्स फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा टू टेन इनवर्स वन इज इक्वल टू फ्रेंड्स यहाँ पे टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स एड होकर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा थ्री टेन इनवर्स एक्स थ्री टेन इनवर्स एक्स अब फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो वन है इसके स्थान पे हम टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर लिख सकते हैं चूँकि फ्रेंड्स टेन पैंतालीस अंश का मान वन होता है तो टेन पैंतालीस अंश वन के स्थान पे लिखा जा सकता है इज इक्वल टू यहाँ पे है थ्री टेन इनवर्स एक्स फ्रेंड्स टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा टू पाई बाई फोर इज इक्वल टू थ्री टेन इनवर्स फ्रेंड्स टू से यहाँ पे कट जाएगा दो एक कम दो दो दोनों चार यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई टू फ्रेंड्स पाई बाई टू इज इक्वल टू यहाँ पे थ्री टेन इनवर्स यस अब फ्रेंड्स हम टेन इनवर्स एक्स को अभी इसी तरफ रहने देंगे यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई टू है फ्रेंड्स यहाँ पर थ्री इंटू में है यहाँ पर आएगा डिवाइड में हो जाएगा थ्री इंटू टू सिक्स हो जाएगा इज इक्वल टू टेन इनवर्स यक्स फ्रेंड्स यहाँ से एक का वैल्यू निकलेगा तो आ जाएगा टेन फ्रेंड्स यहाँ पर टेन इनवर्स से इस तरफ आ जाएगा टेन हो जाएगा टेन पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू यक्स फ्रेंड्स टेन यहाँ पर पाई बाई सिक्स का मतलब टेन थर्टी डिग्री और टेंथ इस अंश का मान होता है वन अपॉन अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू यक्स ये फ्रेंड्स यक्स इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट थ्री फ्रेंड्स यही इस क्वेश्चन का आंसर है तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक्स का मान हो जाएगा वन अपॉन अंडर रूट थ्री फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन कंप्लीट होता है तो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन भी निम्नलिखित समीकरण को सरल करना है जिसमें दिया है साइन टैन इनवर्स यक्स इसमें फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है साइन टेन इनवर्स एक्स इसको फ्रेंड्स हमें सरल करना है और फ्रेंड्स ये है बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन है इसमें हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी इनमें हमें जो ऑप्शन सही होगा उस पर टिक करना है तो फ्रेंड्स चूंकि हम जानते हैं कि फार्मूला होता है टेन इनवर्स इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स के स्थान पे साइन यूनिवर्स एक्सपन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट वन प्लस यक्स स्क्वायर फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स फार्मूले के रूप में हमने लिख दिया है टेन इनवर्स एक्स के स्थान पर हमने जानना है कि साइन यूनिवर्स अपन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स के स्थान पर हमने साइन इनवर्स एक्स अपन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया फ्रेंड्स यहाँ पे से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाएगा यक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस चूंकि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हमारा मैच कर रहा है तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा फ्रेंड्स आप अपने बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का ऑप्शन नंबर डी यक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस यक्स स्क्वायर यही ऑप्शन फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में सही होगा अब फ्रेंड्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन की तरफ क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्या कह रहा है फ्रेंड्स आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन है सॉरी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन थर्टीन नहीं थर्टीन तो पहले ही हो गया है तो फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर थर्टीन स्थान पर क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन को नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि यदि साइन वन माइनस एक्स, यदि साइन वन माइनस एक्स और माइनस टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू हो तो एक्स का फ्रेंड्स हमें मान निकालना है फ्रेंड्स यदि अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालना, निकालना है तो फ्रेंड्स आइए तो हम इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे friends हमारा यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन के रूप में साइन इनवर्स वन माइनस एक्स माइनस टू साइन इनवर्स यक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू फ्रेंड्स माइनस टू साइन इनवर्स को इस तरफ रहने दीजिए माइनस टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स वन माइनस एक्स हो जाएगा फ्रेंड्स अब फ्रेंड्स हम एक फार्मूला जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है पाई बाई टू तो फ्रेंड्स वहां से कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला निकालेंगे तो आएगा पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक्स के स्थान पे वन माइनस एक्स है तो इससे कुछ भी अंतर नहीं आएगा यहाँ पे हो जाएगा माइनस टू साइन इनवर्स एक्स इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स वन माइनस यक्स कॉस इनवर्स वन माइनस चूँकि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स एक्स के स्थान पे कुछ भी हो सकता है वन माइनस एक्स ही लीजिए ये फ्रेंड्स हम फार्मूला आपको बना के दिखा रहे हैं यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है पाई बाई टू अब फ्रेंड्स आप लोग ने पढ़ा होगा कि यहाँ पे एक्स था तो हमें एक्स के स्थान पर कुछ भी ले लिया जो यहाँ लो उसको इस तरफ भी लो मतलब सेम वैल्यू होना चाहिए तो हमने वन माइनस एक्स ले लिया अब फ्रेंड्स यहाँ से हम कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स का फार्मूला यदि निकालेंगे तो आ जाएगा पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स वन माइनस एक्स इसी फार्मूला का फ्रेंड्स हम इस क्वेश्चन में प्रयोग करेंगे अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमने माना है माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा तो फ्रेंड्स यहाँ से एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा, फ्रेंड्स हमने एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा लिया है फ्रेंड्स हम जानते हैं कि कॉस टू थीटा इज इक्वल टू होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा फ्रेंड्स ये एक फार्मूला है कॉस टू थीटा का होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा फ्रेंड्स कॉस टू थीटा को हम सेम रहने देंगे इज इक्वल टू वन माइनस टू अब फ्रेंड्स साइन थीटा के स्थान पे एक्स है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो एक्स का वर्ग हो जाएगा यानी वन माइनस टू एक्स स्क्वायर फ्रेंड्स कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है प्लस कॉस थीटा, इज इक्वल टू वन माइनस टू यक्स स्क्वायर अब फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस टू थीटा निकालेंगे तो यहाँ पे कॉस इधर आएगा कॉस इनवर्स हो जाएगा कॉस इनवर्स वन माइनस टू यक्स स्क्वायर फ्रेंड्स ये भी हमारा बहुत टाइप क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे हमने थीटा का स्थान पे साइन इनवर्स एक्स लिया है तो यहाँ पे माइनस टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस टू यक्स स्क्वायर आ गया अब फ्रेंड्स ये समीकरण दो है और फ्रेंड्स ये हमारा समीकरण एक है समीकरण एक क्या है फ्रेंड्स आप देख लीजिए समीकरण यही है कि माइनस टू इनवर्स एक्स से जुक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स अब फ्रेंड्स यहाँ से समीकरण दो भी हमारा माइनस टू सैन्य जक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस टू एक्स स्क्वायर तो फ्रेंड्स यहाँ पे समीकरण एक व दो से हल करेंगे समीकरण एक व दो से तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स वन माइनस टू स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स फ्रेंड्स दोनों पक्षों में कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स है आपस में कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस यक्स अब फ्रेंड्स यहाँ से वन से वन कैंसिल हो जाएगा एक्स इस तरफ आएगा एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रेंड्स हम एक्स कामन ले लेंगे तो वन माइनस टू एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम बारी बारी से इसका वैल्यू निकालेंगे फ्रेंड्स इसका हम बारी बारिश से वैल्यू निकालेंगे तो एक्स के दो मान निकलेंगे पहला तो एक्स इज इक्वल टू फ्रेंड्स यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा और दूसरे में जब वन माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो तो माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन फ्रेंड्स दोनों पक्षों से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू तो फ्रेंड्स यहाँ से पहला वैल्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो निकला है और दूसरा वैल्यू फ्रेंड्स एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू निकला है चूँकि फ्रेंड्स एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है फ्रेंड्स यहाँ पे हम इसका आंसर लिखेंगे कि एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स कि हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है साइन यूनिवर्स वन माइनस एक्स माइनस टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू जब इसमें हम एक्स के स्थान पे वन बाई टू रखेंगे तो समीकरण संतुष्ट नहीं होगा अर्थात पाई बाई टू नहीं आएगा इसलिए फ्रेंड्स इसलिए एक्स इज इक्वल टू जीरो इसका ऑप्शन सही होगा तो फ्रेंड्स आप अपने बुक में देखिए कि ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का ऑप्शन नंबर बी बी नहीं फ्रेंड्स सी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट है राइट right है चूँकि फ्रेंड्स इसमें एक्स एज इक्वल टू जीरो रखने पर पाई बाई टू आ जा रहा है चूँकि राइट हैंड में दिया गया है तो इसलिए हमारा समीकरण संतुष्ट हो जाएगा इसलिए इसका एक्सएज इक्वल टू जीरो ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा अब uh, फ्रेंड्स हमारा इस अध्याय का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन फ्रेंड्स वो भी एक बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन है उसको भी हम जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्या है आइए उसको पहले नोट करते हैं जिसको हम बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्या है फ्रेंड्स पहले उसको नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है टेन इनवर्स यक्स अपॉन वाई माइनस टेन इनवर्स क्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन है टेन इनवर्स यक्स अपॉन वाई माइनस टेन इनवर्स यक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अब फ्रेंड्स यहाँ पे पर फार्मूला अप्लाई करेंगे टेन इनवर्स ए चूँकि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी To, होता है टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हम इसी फार्मूला का अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स इसको हम कैपिटल ए ले लेते हैं अर्थात एक्स अपान वाई और कैपिटल बी के स्थान पे एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई तो इसी फार्मूला का उपयोग करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स ए माइनस बी ए के स्थान पर इसमें एक्स माइनस वाई है और बी के स्थान पे एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई पूरे का बटा वन प्लस ए बी ए के स्थान पे है एक्स अपॉन वाई इंटू में बी के स्थान पे है एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई ब्रेकेट क्लोज फ्रेंड्स यहां पे हो जाएगा टेन इनवर्स आंसर में फ्रेंड्स वाई एक्स प्लस वाई वाई एक्स प्लस वाई एल्शियम हो जाएगा यहाँ पे वाई से वाई कट करके एक्स इंटू में एक्स प्लस वाई बचेगा और माइनस एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स प्लस वाई कैंसिल हो करके वाई बच जाएगा और पूरे का बटा यहाँ पे फ्रेंड्स वन है तो वाई इंटू में एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस यक्स इंटू में एक्स माइनस वाई यहाँ से पहले भी है और इसमें भी ए सी एम वाई ऑफ एक्स प्लस वाई ही होगा अब फ्रेंड्स यहाँ भी वाई एक्स वाई और यहाँ भी वाई ऑफ एक्स प्लस वाई है आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या बचेगा ये देखते हैं टेन इनवर्स यक्स ब्रेकट में एक्स प्लस वाई माइनस वाई एक्स माइनस वाई और हर में फ्रेंड्स यहाँ पे बच जाएगा वाई ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई अब फ्रेंड्स इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स टू वाई एक्स वाई माइनस वाई इंटू एक्स माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर और अपान फ्रेंड्स वाई इंटू एक्स मतलब एक्स वाई प्लस वाई में वाई करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स इंटू माइनस वाई माइनस एक्स वाई फ्रेंड्स यहाँ माइनस एक्स वाई से प्लस एक्स वाई कैंसिल यहाँ पे प्लस एक्स वाई से माइनस एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स तो यहाँ पर आ जाएगा टेन इनवर्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फ्रेंड्स अंश हर सेम है आपस में कट के वन आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा टेन इन्वर्स ऑफ वन अब फ्रेंड्स हम जानते हैं कि टेन में वन किस अंश का मान होता है टेन फोर्टी फाइव तो इसके स्थान पे हम टेन पाई बाई फोर लिख सकते हैं फिर यहाँ पर पाई के स्थान पर वन एट्टी है वन एट्टी को फोर से डिवाइड करेंगे तो फोर्टी फाइव आंसर आ जाएगा अब फ्रेंड्स यहाँ से टेन येवर से टेन कैंसिल हो जाएगा आ जाएगा पाई बाई फोर फ्रेंड्स यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है चूँकि फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है तो फ्रेंड्स इस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर फोरटीन से क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन को सॉल्व किया है तो यहाँ पे विविध प्रश्नावली फ्रेंड्स हमारा समाप्त होता है तो फ्रेंड्स आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम आप के बेसिक क्लास को देखेंगे तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड्स यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को जहाँ तक हो सके वहाँ तक शेयर कीजिए लाइक कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ ग्रेट डे